देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर रही हैं। बीते दिन पूर्व बीजेपी ने सदर विधानसभा से विधायक मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया था तथा कल यानी बुधवार को कांग्रेस ने भी हजारीबाग संसदीय सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश भाई पटेल, जो मांडू से विधायक हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। जैसे ही मांडू से विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन किया था, सरगर्मियाँ और बाजार में ये बातें तेज हो गई थी कि इस लोकसभा के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि कांग्रेस ने कल उन्हें उम्मीदवार बनाकर कर दी है। हालांकि अब यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दोनों विधायक बीजेपी से हैं और मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अभी एक कार्यक्रम के दौरान हमें मिले थे, जब हमने पूछा कि क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्योंकि आपके सामने आपके ही सहयोगी जो कुछ दिन पूर्व तक आपके साथ बीजेपी में थे वो है, तो उन्होंने कहा कि अपने अपने मुद्दे होते हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। हालाँकि उनका मुद्दा विस्थापन का है, रोज़गार का है। जैसे ही उन्हें कल कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, आज उन्होंने बड़का गांव से विधायक अंबा प्रसाद से मुलाकात किया है। साथ ही साथ हजारीबाग के प्रसिद्ध मंदिर नरसिंह स्थान मंदिर में जाकर भगवान नरसिंह का भी आशीर्वाद प्राप्त किया है। सुनिए क्या कुछ कहा है मांडू से विधायक जेपी पटेल ने। देखिए, सबसे पहले मैं इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता, सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को, अपने पूर्व कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को और प्रदेश के प्रभारी मीर साहब जी को, प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी को और इस इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण को, गुरु जी को, आदरणीय हेमंत सोरेन जी को, कल्पना सोरेन जी को, चंपा सोरेन जी को, सभी को मैं अपनी ओर से साधुवाद, धन्यवाद और हजारीबाग की जनता की ओर से विशेष रूप से उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं जो मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। देखिए, जिस तरीके से पहले आप भाजपा में रहे हैं, भाजपा में एक तरफ जो है मनीष जायसवाल खड़े, दूसरी तरफ दोनों भाई आखिर जनता के पीछे क्या कुछ कह के वोट मांगेंगे? देखिए, सबका अपना अपना एजेंडा है, हम अपने एजेंडे के हिसाब से वोट मांगेंगे, वो अपने हिसाब से अपने एजेंडे में वोट मांगेंगे। लेकिन आज जो हजारीबाग का परिस्थिति है, वो हजारीबाग स्थानीय चीज़ों को देखते हुए इस बार इस माटी का बेटा को अपना प्रतिनिधि बनाएगा। क्या कुछ लगता है, क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार? आप देखे होंगे कि 2014 से लेकर अभी तक दो बार एनडीए गठबंधन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार यहाँ बनी, लेकिन फिर भी हमारे जो हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र है, हम कोयलांचल में जाएं, चाहे एक क्षेत्र हमारा कृषि का क्षेत्र है, आप कोयलांचल में जहाँ हमारे खनन हो रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, भारत सरकार की कई कंपनियाँ हैं, एनटीपीसी है, आपका सीसीएल है, डीबीसी है, और पूरे झारखंड में, समस्त झारखंड में कई औद्योगिक कल कारखाने जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है, यहाँ के लोगों को जमीन लिया गया, यहाँ के लोगों को घर से बेघर किया गया, और आज हमारे लोग अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं, चाहे वह बड़का गांव एनटीपीसी में अपने मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है, चाहे आप सीसीएल बीसीसीएल में चल जाइए, अपने जमीन देकर नौकरी के लिए लोग भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमारे लोगों को ना शुद्ध पानी मिल रहा है, ना शुद्ध हवा मिल पा रहा है, और उल्टा हमारा जमीन भी लिया जा रहा है। और जब हम आंदोलन करते हैं, जब अपनी बात को रखते हैं, तो हमारे लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है जेपी पटेल ने। हालांकि वो अभी भी विधायक हैं और दल बदल कानून के हिसाब से अब उनकी शायद विधायकी चली जाएगी और अब वो कांग्रेस के हजारीबाग लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं। देखना यह होगा कि
उनके सामने बीजेपी के मनीष जायसवाल प्रतिद्वंदी हैं और हजारीबाग संसदीय सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, तो ऐसे में मुकाबला कैसा होता है। हालांकि अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुका है हजारीबाग सीट, क्योंकि मांडू से विधायक जेपी पटेल और बीजेपी से विधायक मनीष जायसवाल के बीच दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद है। देखना होगा कि मुकाबला कैसा होता है और 4 जून को जब परिणाम आते हैं तो किसके पक्ष में ये परिणाम आता है। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग।